हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 8th of July से लेकर 14th of July 2024 तक। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूँ, मेरी प्रेडिक्शन सिर्फ आपके सेंडर्स के बेस पर हैं, आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने सेंडर साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोज़ को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन related to upcoming week and you can make your life easy and better through worship and chanting. अब बात करते हैं करक लगन की। 8 जुलाई से 14 जुलाई तक का जब ये पीरियड है, देखिए मंडे ट्यूसडे आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, हेल्थ बहुत फाइन रहेगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। अगर आप नेटवर्किंग से जुड़ा होकर कार्य करते हैं या सोशल मीडिया से जुड़ा होकर काम करते हैं, ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या आप बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, तो आप कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मंडे ट्यूसडे को साइन करेंगे, कोई साइनिंग अमाउंट आपको मिलेगी, सेविंग्स आपकी राइज होंगी। ये टाइम आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स को लेकर एक्सेलेंट रहेगा। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड बेनिफिट, थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव पीरियड फॉर यू व्हेन यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। देखिए, इस टाइम में ना आपको आपके जो वेलविशर्स हैं वो बढ़ेंगे कैंसर मंडे ट्यूसडे को, और आपके वेलविशर्स आपको कोई अच्छी एडवाइस देंगे, उसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना और वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद रहेगी। वेनसडे थर्सडे अगेन आपके लिए बड़े ही ज़्यादा पॉजिटिव डेज होंगे, जिसमें फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक्टिव होंगी, या फॉरेन फ्रेंड्स से या फॉरेन अफेयर्स से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। विदेशी किसी काम से जुड़े हुए हैं या फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो उससे अच्छा खासा मुनाफा आपको वेनसडे थर्सडे को मिलेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, यू विल एंजॉय कम्फर्ट एंड रिसोर्सेज। Wednesday Thursday is the biggest game changer time in the terms of making money. Wednesday Thursday stock market se aapko benefit hoga, aapki creativity magic create karegi. Interior designer hai, fashion designer hai, interior decorator hai, things will be perform excellent. Job mein aapki unnati hogi, salary mein rise hoga, income aapki badhegi, daily income aapki badhegi, shatruhanta aap banenge. फ्राइडे सैटरडे को कुछ लीगल मैटर्स छोटे मोटे आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, या आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज फ्राइडे सैटरडे को छोटे मोटे आ सकते हैं। देखिए, शनि अभी भी आपके अष्टम भाव में वक्रगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़े से चैलेंज आपको देखने को मिलेंगे। प्लस पॉइंट ये है कि जुपिटर 11th हाउस में आपके 5th और 7th में जो आस्पेक्ट है, 3rd पे जो आस्पेक्ट है जुपिटर का, वो आपको ब्लेस्ड कर रहा है आपकी इनकम के मामले में। और साथ में साथ अगर शनि आपको चैलेंज दे रहे हैं, तो जुपिटर आपको एनर्जी दे रहे हैं गेंस की। और मून की पोजीशन के हिसाब से पहले 4 दिन इस वीक के, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, कैंसर आपके लिए अल्टीमेट है। कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं ज़रूर करें, किसी भी चीज़ को लेकर कल पे ना छोड़ें। फ्राइडे सैटरडे थोड़ा सा लो एनर्जी, थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहेगा, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, बट ओवरऑल चीज़ों को आप बड़ी इजीली ओवरकम कर जाएंगे और थिंग्स विल बी वंडरफुली इन दिस वीक। और आपको ये सप्ताह जो है आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, खास करके मंडे से लेकर थर्सडे आपके लिए लेकर आने वाला है। इस वीक में आपने जो रेमेडीज़ करनी है, सबसे पहले रेमेडी नंबर 1, हर रोज़ सुबह अपने शिव चालीसा का उच्चारण करना है 3 बार 5 बार या 7 बार। रेमेडी नंबर 2, आपने पीले मीठे चावल बना के थर्सडे वाले दिन आपने विष्णु भगवान को भोग लगाकर गरीब लोगों में बांटने हैं। रेमेडी नंबर 3, येलो सफायर, पर्ल और कोरल का पेंडेंट बना के अपने गले में डाल लेना है। रेमेडी नंबर 4, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेनी है, अपने ग्रैंडफादर, अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेते रहें, तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छा काम करेंगी। अब बात करते हैं लियो सैंडर्स की। 8 जुलाई से 14 जुलाई तक की ये प्रेडिक्शन है। देखिए लियो, मंडे ट्यूसडे जो है आपके लिए, यहाँ पे चीज़ें में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत है, सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या सीनियर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर पा रहे हैं, एफर्ट्स आप बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स आपको मंडे ट्यूसडे को अच्छे नहीं मिलेंगे। हार्ड टाइम रहेगा, टफ रहेगा, लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव है कि ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको स्मॉल स्मॉल गेंस यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे, कि यार रुका हुआ कोई पैसा आपको वापस मिल सकता है। चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगी एंड यू विल फील रिलैक्स इन द टर्म्स ऑफ कैश फ्लो। लेकिन जॉब में आप सीनियर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, बिजनेस में कोई नया आपने फड्डे में टांग मंडे ट्यूसडे को नहीं अड़ानी, या किसी को अपना पैसा नहीं उधारी देना मंडे ट्यूसडे को। आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ना केयरफुल हो जाएं। मंडे ट्यूसडे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना आपने, और अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो उसमें आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है।
वेनेसडे थर्सडे आपकी हेल्थ बड़ी पॉजिटिव रहेगी, नए नए गेन्स, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसमें अच्छे खासे गेन्स होंगे अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं। फादर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, सिबलिंग्स की आपको सपोर्ट मिलेगी, स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से आपका वक्त बदला है, किस्मत बदली है वेनेसडे थर्सडे को, कि पेंडिंग काम भी क्लिक हो रहे हैं और फुल्ली सपोर्ट यू विल गेट फ्रॉम योर फैमिली। वो चाहे आपके स्पाउस हैं, चाहे आपके एल्डर्स हैं, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे आपके किड्स हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो ये टाइम में आपको इन लॉ से कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपके स्पाउस से वेनेसडे थर्सडे को आपको गिफ्ट मिल सकता है, और ये टाइम आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और उन अपॉर्चुनिटीज को अगर आप अवेल करते हैं तो नियर फ्यूचर में अच्छा खासा मॉनेटरी गेन्स आपको होगा। किसी के फड्डे में टांग आपने वेनेसडे थर्सडे को नहीं उड़ानी, किसी की जिम्मेवारी में नहीं फंसना, लेन देन बहुत केयरफुली करना है, टॉकिंग टर्म्स बिल्कुल आपने अच्छी रखनी है, कम्युनिकेशंस अपने बिजनेस बायर सप्लायर्स के साथ बंद नहीं करने, अपने कम्युनिकेशंस को बढ़ाते रहें, पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहें, ड्राइव को बढ़ाते रहें, देन थिंग्स विल बी परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। ये टाइम ओवरऑल आपके लिए कुछ अच्छे रिवार्ड्स भी लेकर आएगा अगर आप जॉब में हैं तो। देखिए वेनेसडे थर्सडे आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, ये टाइम आपके लिए गुड फाइनेंशियल गेन्स होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहे होंगे, लेकिन मेंटल स्ट्रेस रहेगा, एंग्जायटी रहेगी, अननेसेसरी बर्डन टेंशन यहाँ पे लियो आपका बनेगा जो आपके माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब रखेगा। इस समय में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों की संगति आपने बिल्कुल नहीं करनी, तो आपके लिए चीज़ें काम करेंगी। अदरवाइज ये समय आपकी जो नेगेटिव थॉट्स होंगी आपकी बनी बनाई गेम को ख़राब कर देंगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं और कंटिन्यू एफर्ट्स करते हैं देन वेनेसडे थर्सडे भी चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगी और अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर आपको दिखेगा। फ्राइडे सैटरडे थोड़ा सा लेजीपन आपके अंदर रहेगा, घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब होगा, आपकी खुद की स्टबन नेचर की वजह से आपकी लव लाइफ में दिक्कत आएगी, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी, बच्चों के साथ रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी, लेकिन ये टाइम आपके लिए फाइनेंस को लेके फिर से आप बाउंस बैक करेंगे फ्राइडे सैटरडे को, या कुछ आपको ओल्ड इन्वेस्टमेंट से गेन, फॉरेन रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। और जो लोग जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं उनको फ्राइडे सैटरडे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपको गुड फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, या सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे, मार्केट से आप अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब होंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी ये टाइम आपके लिए अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। और संडे वाले दिन आप एक बहुत ही अच्छा टाइम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएंगे, और बहुत ही कंफर्टेबल टाइम, रिलैक्सिंग टाइम संडे को आप स्पेंड करेंगे, और बड़े क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। रेमेडी नंबर 1 लियो इस वीक की, हर रोज सुबह आपने सूर्य नमस्कार करना है। रेमेडी नंबर 2 अपने पिता के चरण स्पर्श करने हैं। रेमेडी नंबर 3 आपने इस सप्ताह में सारे सप्ताह मंडे से लेकर संडे तक कच्चे दूध में काले तिल डालकर भगवान शिव को अभिषेक करना है हर रोज सुबह आफ्टर टेकिंग योर शावर बिफोर ब्रेकफास्ट। और इस सप्ताह में आपने खास करके अपने पिता की स्नैप ब्लैक एंड वाइट पासपोर्ट साइज अपने वॉलेट में रखें, और दिन में 2-3 बार सुबह दोपहर शाम को अपने पिता की स्नैप को देखा करें, और सुबह घर से निकलने से पहले अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें, तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही पॉजिटिविटी हेल्थ को लेकर भी आएगा। जो थोड़ी बहुत नेगेटिव प्रेडिक्शन है उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आपके ऊपर आपके पिता की ब्लेसिंग्स हैं या आपका माइंडसेट पॉजिटिव है। नेगेटिव थॉट से आपने लियो इस सप्ताह दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से आपने दूर रहना है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज रिवार्ड्स और अप्रिसिएशन ये लेकर आ रहा है, और फुल्ली सपोर्ट आपको फैमिली से मिलने वाली है। लेट्स टॉक अबाउट वर्गो सैंडस, बात करते हैं कन्या लगन की 8 जुलाई से 14 जुलाई 2024 की ये प्रेडिक्शन है। देखिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए बड़े प्रॉमिसिंग है, रुके हुए काम आपके होंगे, भाग्य का सहारा मिलेगा, और कोई दूर दराज से कहीं आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कोई फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। अगर आप आईटी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो मंडे ट्यूसडे आपको अच्छा खासा मुनाफा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट ये होता हुआ दिखता है। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए
गुड फॉर्चून लेकर आ रहा है, और इस समय में अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मंडे ट्यूसडे को आपका फेम बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, रुका हुआ धन मिलेगा आपको, धन लाभ होगा, ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी। वेनेसडे थर्सडे आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा, अनमैरिड लोगों के लिए मैरिज के प्रपोजल आएंगे या कोई कंपेनियन आपको अच्छा मिल सकता है, लव लाइफ आपकी अच्छी चलेगी और यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा मुनाफा बनता हुआ दिखता है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस जॉब में ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से रहेगा। वेनेसडे थर्सडे आपके कंधों पर कोई बोझ, कोई जिम्मेवारी आ सकती है आपके कार्य व्यवसाय को लेकर, जिसकी वजह से थोड़े से आप डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन आय के साधन ये बने रहेंगे, गेन्स आपको बहुत अच्छे यहाँ पर मिलेंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स। दिस इज अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी एंड दिस इज अ गुड टाइम इफ यू विलिंग टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। यू विल फील वेरी पॉजिटिव एनर्जी, योर हेल्थ वेल्थ विल बी अल्टीमेट, you will spend wonderful time with your business partner and your life partner. Wednesday, Thursday आपके लिए resources develop करने वाला है, कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर आपको देखने को मिलेंगे और आपके spouse की full on support आपको यहाँ पर मिलेगी। Friday, Saturday की अगर हम बात करें तो back pain आपको हो सकती है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है और इस समय में आपके थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आपका कार्य व्यवसाय को लेकर बढ़ेगा, कोई खर्चे का लेवल आपका फ्राइडे सैटरडे को बढ़ेगा, जिस वजह से मानसिक संतुलन आपका ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ये टाइम फ्राइडे सैटरडे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन नहीं करनी, किसी के फड्डे में नहीं फंसना, किसी यारी दोस्ती के चक्कर में किसी को पैसे नहीं देने, अदरवाइज इस समय में आपको अच्छे रिजल्ट्स या बेनिफिट नहीं मिलेंगे। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट स्पेशल ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे एंड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। ऑयली फूड, जंक फूड फ्राइडे सैटरडे को बिल्कुल ना खाएं, नॉन वेज को बिल्कुल अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में आपने वर्ग को रेमेडी क्या करनी है, रेमेडी नंबर वन, हर रोज सुबह आपने 3 बार 5 बार या 7 बार गणेश चालीसा का उच्चारण करना और इस मंत्र की साधना करनी है, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। हर रोज सुबह आपने 108 बार रुद्राक्ष के मणकों की माला से इस मंत्र की उपासना करनी है, साधना करनी है, चैंटिंग करनी है, ध्वनि पैदा करनी है, तो आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, फॉर्चून आपका काम करेगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और आपका माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा। मंत्र साधना से इंसान के दिमाग को सुकून मिलता है, इंसान के दिमाग में पॉजिटिविटी आती है, ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं और ये करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए वर्गो, सैटरडे वाले दिन रात को आपने मोतीचूर के लड्डू, ये काली माता को भोग लगाना है। और रेमेडी नंबर 3, मस्ट वेयर एमरल्ड स्पेशल राइट हैंड और रिंग फिंगर में आपने गोल्ड में मढ़ाकर एमरल्ड डालना है, ये आपके कार्य व्यवसाय और इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रिंग फॉर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।